वेलकम टू माय चैनल अमित प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उर्दू बता दो सबको कैसे हो। तो आज काफी सही है, ऐसे गले में यहाँ लग रहा है इसके ना, यहाँ गले में ही जो दाने अंदर से निकले होंगे ना, तो पूरा टाइम ऐसे ऐसे उनको करता रहता है। तो अभी थोड़ा सा मतलब ठीक है। कल रात में भी इसने मतलब ना काफ़ी खेला है, जैसे नॉर्मली बच्चे खेलते हैं, वरना 3 दिन से तो ना एकदम ऐसे ही बस रोना रोना, इधर उधर लेटे रहना ऐसे था। तो कल काफ़ी खेला है अपने डैडी के साथ। बिट्टू डैडी ऑफिस जा रहे हैं, डैडी जा रहे हैं ऑफिस, उनको देखो पेपा पिक देख रहे हैं। तो कल जो मैंने वीडियो डाला था ना, आज 10 तारीख है आई थिंक, हाँ 10 तारीख का ट्यूसडे है। तो कल जो मैंने वीडियो डाला हुआ था मंडे को, तो सबने इतनी सारी उर्दू को ब्लेसिंग्स दी और इतनी सारी मतलब इन्फॉर्मेशन भी मिली ना इससे रिलेटेड, कि ये मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब ना जो कमेंट्स आए थे कि हाँ हमारे बच्चे को भी हुआ था, हमारे बच्चे को भी हुआ था, 4-5 दिन में सही हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ करके भी इतना मन को तसल्ली मिला कि हाँ चलो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हो गया, अच्छा एक बार राधे राधे कर लो सबको, बाय कर लो, अच्छा बाय कर लो, बाय कर लो बेटू, बाय कर लो, कुछ नहीं करोगे। तो इसके ना जो हाथों में बहुत ज़्यादा दाने निकले हुए थे, तो वो अभी अब धीरे धीरे सूख रहे हैं। उदयन को देखने के बाद अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो अभी वो बीमार है ना, तो बीच बीच में कुछ भी करो तो बहुत मतलब लंबा गैप करके नहीं कुछ कर पाती हूँ। ये रहता है कि अब जैसे अभी नहा करके आई, तो फिर हुआ कि चलो उसको थोड़ी देर देख लेती हूँ, इसके बाद फिर आराम से पूजा करूँगी। और उसको भी मन को तसल्ली हो जाती कि हाँ अभी तक मम्मा मेरे पास थी, अब गई है। वरना ज़्यादा देर तक रहो ना इधर उधर, तो फिर वो भी परेशान होने लगता है। और बच्चे वैसे भी बीमार होते हैं ना, तो बहुत चिड़चिड़ाने लगते हैं। अभी भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आजकल इनकी बहुत ज़रूरत है, इनकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे टाइम में ना सच बताऊँ और ज़्यादा भगवान जी की ऐसे मतलब लगता है कि हाँ उनके पास जा करके बैठो, पूजा पाठ करो, थोड़ा सा ना उनसे मतलब ना एक होता नहीं मन ही मन में बोलो कि हाँ भगवान जी सब कुछ सही कर दो, बच्चे को सही कर दो। और सच बताऊँ ऐसे टाइम में बस यही लगता है कि खुद को कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चे को कुछ ना हो। एक तो बच्चे छोटे रहते ना, तो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, इरीटेट ही होते रहते हैं, तो समझ में भी नहीं आता कि पता नहीं इनको अंदर से क्या दिक्कत हो रही है। बड़े लोग तो फिर भी बता देते हैं कि हाँ हमें ऐसी दिक्कत है, बच्चे तो बता भी नहीं पाते। जो कोलाज बनवाया हुआ था उसको लगवा दिया है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आज सुबह सुबह ही हमने लगवाया। मैं इनसे ना बहुत मतलब आर्ग्यूमेंट करने लगी कि क्या डाइनिंग टेबल में सजाने के लिए उसको मंगाया हुआ है क्या, क्योंकि 2 दिन से रखा हुआ था। तो ये था ना कि कहीं उर्दू भी खींच करके तोड़ ले। तो फिर मैं जब इनसे गुस्सा करी तब इन्होंने बुलाया भैया को और वो आ करके लगा गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिलहाल तो लाइट नहीं चल रही तो मैं लाइट जलाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बैक कैमरे से मैं शूट करके दिखाती हूँ, ऐसे फ्रंट से समझ में नहीं आएगा। और वीडियो में कितनी छोटी सी दिख रही है, मतलब सामने से इतनी बड़ी सी है लेकिन वीडियो में ना बहुत छोटी सी दिख रही है, जबकि सामने से काफ़ी इसका बड़ा साइज है सीनरी का। लेकिन ऐसे देखने में लग रहा है ना कि वीडियो में कि बहुत छोटी सी है। आपको दिखाऊँ तो मैं बैक कैमरे से शूट करके आपको दिखाती हूँ। क्या हुआ उद्धू, क्या चाहिए? वो नहीं मिलेगा बेटू, वो नहीं मिलेगा। अब इनको अपनी फोटोज चाहिए। ये हमने यहाँ पर इसको लगवा दिया है और बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर।
पहले मैं सोच रही थी इस वाली वॉल में लगवाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि इस वाली वॉल में नहीं, ये सेंटर में रहेगा ना, तो इधर से आते जाते दिखेगी। तो फिर हमने इसको ऐसे लगवाया और सामने सच में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैक्सिमम टाइम इनका डिसीजन ही ज़्यादा सही रहता है। और इनको अब भाई साहब को अपनी फोटोज जो हैं वो चाहिए। क्या कर रही है, कौन है? अब मम्मा पापा दिख गए हैं इनको, दिमाग लेकिन अभी अपनी पिक्चर्स में रखा हुआ है। दोपहर का टाइम है, अभी मैं और उद्दू खाना खा लेते हैं। तो ये तो अपना ले ही गए हैं टिफ़िन में, और बस मेरा उद्दू क्या है, तो आज बनी है आलू वड़ी टमाटर की सब्जी, दाल चावल रोटी। तो जब ऐसे वड़ी की सब्जी बनती ना, तो दाल में बहुत थोड़ा ही खाती हूँ। बेटो किसका वेट कर रहे हो? बेटो अपने डैडी का वेट कर रहा है। ये जैसे ही शाम होती है ना, अगर ये घर में नहीं है, ऑफिस गए हैं, तो इसको पता रहता है कि अभी अब मैं सो करके उठा हूँ, शाम हो गई है, तो मतलब डैडी के आने का टाइम हो गया है। और अभी ना अब ये जो टाइम है ना, बहुत अच्छा लगता है बाहर बैठने में, थोड़ा सा उतनी गर्मी नहीं रहती ना, थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है। मतलब वैसे वाली ठंडी नहीं, सच बताऊँ, एक तो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं ना, तो अभी हमारे लिए उतनी कोई ठंडक नहीं आई है। बट हाँ ये है कि गर्मी नहीं लगती है, उतना ठीक लगता है। बट अभी कोई ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ठंडक आ गई है, बहुत ठंडी सी आ गई है। तो अभी भी थोड़ी देर तक ना ज़्यादा चल लो या कुछ स्वेटिंग सा फील होने लगता है। इनको देखो, डैडी के इंतज़ार में है। बेटू अभी दोपहर में इसे ना थोड़े बहुत वो सब्जी रोटी खाई है, तो अभी आज से थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किया है। लाओ मम्मा को दे दो, लाओ दे दो, लाओ दो मम्मा को दे दो। नीचे नहीं फेंकना, नीचे नहीं, पिटाई हो जाएगी आपकी पिटाई हो जाएगी आपकी, नीचे नहीं फेंकना। शाम का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ सैंडविच, बहुत सारी वेजीज डाल करके, प्याज टमाटर खीरा शिमला मिर्च, और अगर स्वीट कॉर्न रहता है ना तो और अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मिला दो बीच में, बट वो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो बस इतना जो है मेरे पास, उसी से काम चला करके बना रही हूँ। और ऐसे टाइप का सैंडविच मुझे आजकल इतना अच्छा लगता है ना, कि मैं कोई और दूसरा वाला सैंडविच बनाती नहीं हूँ। जब ऐसा रहता है कि हाँ ब्रेड का सैंडविच बनाना है, तो मतलब यही दिमाग में आता है। तो अभी मैं कट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, मैंने सारी वेजेज कट कर लिया है, और अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी, जलजीरा मिला दूंगी, और फिर इसके बाद ये मैंने सिंपल वाला ऑरगैनो डाला है, और ये मसाले वाला ऑरगैनो भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा नींबू भी डालूंगी। इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है, फिर ब्रेड में लगाना है सैंडविच स्प्रेड, और लगाने के बाद जो वेजेज हमने कट करी है ना, उनको डाल देना है, और उनको अच्छे से डालने के बाद ना, और मैंने इतनी सारी कट करी थी, ये आप देखो हेल्दी भी है प्लस टेस्टी भी है। और फिर इसके ऊपर से मैंने चीज़ लगा दिया है। अब बनाते हैं सैंडविच। तो मैंने तवा चढ़ा दिया है गैस पे, इस पे मैं बटर लगा रही हूँ। और बहुत सारे लोग ना कमेंट्स करते हैं कि तवा साफ कर लिया करो, तो मैं आपको बता दूँ ये लोहे का तवा है, और लोहे के तवा ना एक टाइम बाद ऐसे ही हो जाते हैं। सैंडविच बन करके रेडी हो गए हैं, तो अभी जल्दी जल्दी इनको कट करके खाते हैं, क्योंकि ये ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं खाने में। और अगर आपने ऐसे टाइप के सैंडविच नहीं बनाए ना, तो एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी भी होते हैं प्लस हेल्दी भी होते हैं। हाँ थोड़ा सा चीज़ बटर वाला रहता है, बट वैसे भी कौन सा रोज़ रोज़ कोई बना करके खाता है। तो ये आप देख सकते हो, एक चीज़ ना एकदम मेल्ट हो जाती है सारी वेजीज में। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कट कर लेती हूँ। अभी पूरे दिख भी नहीं रहे हैं, तो मैं ना मतलब बहुत कितनी दो तीन बार कपड़े धुले गए हैं, वहीं पे चेयर में रखते जा रहे थे, तो मेरे कपड़े इतने सारे हो गए हैं। तो अभी मैं सोचा इनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। जैसे इनका क्या रहता है, इनका सीन अलग रहता है, इनके जो कपड़े रहते हैं वो धुलने के बाद चले जाते हैं प्रेस होने के लिए, तो प्रेस हो करके अच्छे से तय हो करके आते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं रहती।
और मेरे कपड़े क्या हैं, सब घर में ही धुले, घर में ही इनको सेट करके रखना है। तो कई बार ना मैं ऐसे ही आलस कर जाती हूँ, दो दो तीन तीन बार ही के कपड़े हो जाते हैं और धुले नहीं पाते। अभी आज मैंने ठान लिया, उद्धू भी बहुत बेटर फील कर रहा है। मैंने सोचा कि उसको मैं सेट करती हूँ, क्योंकि मुझे वो जो बगल वाला रूम है ना उसको भी साफ़ करना है। तो उसको साफ़ करने के लिए पहले ये कपड़े सारे हटाने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इनको सेट करके रखना पड़ेगा, तभी वो रूम साफ हो पाएगा। क्योंकि उसमें मैक्सिमम कपड़े ही आपको दिखेंगे उस रूम में। और कपड़े मैंने सारे सेट करके रख दिए हैं। अभी मैं अपने इस प्लांट में स्प्रे कर देती हूँ। तो ऐसे मैंने ना बॉटल में पानी में भर लेती हूँ और फिर स्प्रे कर देती हूँ, तो ज़्यादा मुझे ऐसे सही लगता है। तो अभी मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।